आंधी तूफान से अपना आशियाना उजड़ने के बाद एक दिव्यांग परिवार ने मदद की गुहार लगाया है। बीते 1 मई को लुकसान क्षेत्र में आया हुआ आंधी और तूफान से लुकसान मोड़ निवासी दिव्यांग रामप्रसाद पंडित का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिलहाल परिवार के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने और रहने के लिए काफ़ी समस्या होने के बाद पीड़ित रामप्रसाद पंडित ने बताया, 1 मई रात को मेरे परिवार के लिए काला दिन था। मैं दिव्यांग हूँ, ट्रेन में बिस्कुट चॉकलेट बिक्री कर एक घर बनाया था, लेकिन तूफान ने मेरा घर तोड़ दिया। तूफान मेरे घर के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा। घर टूटने के बाद पंचायत से 2 प्लास्टिक दिया गया, नागराकाटा प्रखंड अधिकारी के ओर से 12 किलो चावल दिया गया, साथ एक घर देने का आश्वासन दिया है। प्रशासन के ओर से आश्वासन तो मिली है, लेकिन अभी रहने के लिए हमें काफ़ी असुविधा हो रहा है। गाँस जो पेड़ गिरे हैं ना, कब गिरा? हाँ, पेड़ गिरा है आपको 30 तारीख गिरा है, मंगलवार दिन रहा। अच्छा, 3 बजे जी। और गिरने के बाद में हुआ क्या, तो हम तो नहीं थे बोल के हम बच गए, बहुत नसीब अच्छा रहा बोल के हम बच गए। और अभी देखिए ऐसा समस्या हो गया, हम लोग खाने पीने का कोई उपाय नहीं है, हमारा क्या करेंगे, हमारा तो कोई नहीं है, बाप पैसा तो आप ही लोग है, और हमारा रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, पानी पीने का कल तक भी हमारा नहीं है, हम अंदाज में पानी का ले जाए ला के पियेंगे वो भी नहीं सकते हम। क्या अभी करें? अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी इसी में रह रहे, पानी भिज कर रह रहे, परसों दिन फिर बारिश आ गया, पूरा हवा तूफान पूरा आ रहा, शरीर पूरा भिज गया, कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, बिस्तर भी नहीं, कुछ नहीं है, सब चौकियों के जितना घर में जब डाल सब गिरा था, पेड़ गिरा था, वो किसने हटा दिया, साफ किसने किया? वो गए थे वीडियो में तो वो लोग बोले ठीक है ठीक है हम हटवा देंगे, तो वो जगह वो लोग आकर हटवा दिए। घर से बोले हैं जो अभी ठीक है, जो पहला घर आप जब मिलेगा तो आप लोग देंगे, गए थे तो बोले थे। तो अभी अभी तत्काल आप क्या चाहते हैं? अभी तत्काल चाहते हैं रहने के लिए हमको बंदोबस्त होना चाहिए अभी, और जो कपड़ा लत्ता खाना पीने का ये सब हमको चाहिए। जब 30 तारीख को जो जिस समय 3 बजे करीब इस घटना का घटा, उस समय मैंने आग मैंने पहले तो मैं आगे मैंने देखा, उसके बाद मैंने 2 प्लास्टिक का व्यवस्था कर दिया, ठीक है। उसके बाद अभी पंचायत थ्रू से तो अभी इतना जाए तो अभी कोई उपाय तो नहीं हो सकता, लेकिन तभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश करने के बाद तभी हम भी हम पता आपको ये भी बात बोले, जब जब घर आएंगे तो पहले घर तुमको मिलेगा, इतना तो अभी हम भी अभी एक आश्वासन मिला जी। तो अब तत्काल उनको जैसे क्या करना चाहिए, जैसे क्या लोग सोचते हैं आप? अभी अभी पंचायत थ्रू से तो अभी हम लोग जितना कोशिश जितना उसको सहयोग हम लोग दे सकते हम लोग अभी दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई संस्था भी अभी थोड़ा सा अभी बिचारे राम प्रताप पंडित अभी हैंडीकैप भी है, अभी वो कोई काम ठीक से अभी कर नहीं सकता, इन कोई अभी संस्था थोड़ा से भी अभी उनको अभी मदद करे तो इसका ये उस संस्था में बहुत आभारी जाऊँगा।